एक नेक आदमी शादी के बाद बीवी को लेकर अपने घर लौट रहा था कि रास्ते में समुद्र अबूर करना पड़ा। आदमी ने एक कश्ती का इंतजाम किया और दोनों समुद्र अबूर करने लगे। कश्ती बीच समुद्र पहुंची ही थी कि समुद्र में तूफान आ गया। इस सूरत हाल में बीवी का खौफ से बुरा हाल हो गया, लेकिन आदमी ऐसे इत्मीनान से बैठा रहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये देखकर बीवी को हैरत हुई, वो गुस्से से चला उठी। आपको नज़र नहीं आ रहा, तूफान कश्ती को डुबोने लगा है। हमारी मौत सर पर है और आप इत्मीनान से बैठे हैं। ये सुनते ही खावन ने अपनी तलवार म्यान से निकाली और बीवी की शहरख पर रख दी। बीवी हंस पड़ी और बोली, ये कैसा मजाक है। खावन ने पूछा कि आप अभी मौत से खौफज़दा नहीं हो रही हैं। ये सुनकर बीवी बोली, मुझे आप पर और आपकी मोहब्बत पर एतमाद है। ये तलवार आपके हाथ में है तो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये सुनकर खावन बोला, जैसे आपको मेरी मोहब्बत पर एतमाद है वैसे ही मुझे अल्लाह की मोहब्बत पर यकीन है। तो ये तूफान भी अल्लाह के हाथों में है, वो चाहे तो इसे रोक ले, चाहे तो हमारी कश्ती डुबो कर भी हमें बचा ले। अपने रब पर पुख्ता यकीन रखें, अगर आपकी कश्ती डगमगा भी जाए तो यकीन रखें इसमें भी अल्लाह की कोई मिसलत है। याद रखें, अल्लाह जो भी फैसला करे वो हमारे हक में बेहतर है। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, हो सकता है कि एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए। और हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लें। शुक्रिया।